Hey gang, welcome back to my channel. Hope you guys like the videos. I also thought I would support some of my videos. So today I'm here to experience a new place. Basically it's CCP, where there are horses, and my brother is a good rider who comes over here usually and rides his horses. And there are a few horses right over there at the back. So now let's take a few cinematics. देखने जा रहा हूँ, सामने नज़र आ रहे हैं और स्मेल इज एक्चुअली अनबियरेबल, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये है रिगिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट ये जो है हॉर्सेस की स्टेबल्स है। देयर आर लॉट ऑफ हॉर्सेस ओवर हियर और वो उधर सामने आप लोग देख सकते हैं, मेरे भाई के हॉर्सेस जा रहे हैं। ये एक और हॉर्स खड़ा है, ओह माय गॉड सो ह्यूज। एक्चुअली मैंने जूम इन किया हुआ था और एक्चुअली द स्मेल इज गेटिंग वर्स एंड देयर आर पूप्स ऑल ओवर दिस प्लेस। और अभी मैं जा रहा हूँ, सामने मेरा भाई भी जा रहा है, ही इज़ अ वेरी गुड राइडर। और सामने रास्ते पे नीचे और भी पूप पड़ी हुई है, मुझे देख के जाना है। आप सामने देख रहे हैं ये जगह है जहाँ पे हॉर्सेस जो है इनको शावर देते हैं। अभी अभी यहाँ पे टू हॉर्सेस शावर लेके गए थे। अभी मैं राइडिंग स्कूल में पहुँचे हूँ, यहाँ पर भी मेरा भाई जो अपने हॉर्सेस पे राइडिंग करेगा, तो पहले राइडिंग स्कूल देख ले आप लोग। White one horse seems pretty cute, so right now I'm going to just, he's even taller than me, I can barely touch his face. Oh, it's so cute. तो जैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग के पहले बताया था कि ये जो हॉर्सेज है मेरा भाई है वो पोलो प्लेयर है, और ये जो अभी मैंने आपको एक पूरी एरिया दिखाया है, ये सारा एरिया यहाँ पे बेसिकली हॉर्सेज को पोलो के मैचेस के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, तो दैट्स वेरी कूल। और हॉर्सेस भी अच्छे हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं मेरा भाई हॉर्स राइडिंग करने लगा, तो उसकी भी सिनेमैटिक होते हैं। तो मेरा भाई अभी हॉर्स पे चढ़ने लगा है, दिस हॉर्सेस ओके, तो मेरा भाई हॉर्स पे चढ़ गया, मैं तो स्टार्ट राइडिंग। वो आई थिंक दैट दिस हॉर्स वांट्स टू बी बिट मोर एक्टिव। So I'm going to do a little run. So ये जो भी इसमें मेरा भाई कर रहे हैं, दिस इज नोन एज आई डोंट रिमेम्बर, आई यूज टू डू हॉर्स राइडिंग अबाउट 4 to 5 years are and ye bhi gallop kar rahe kante trot and so right now he's going trot kante actually and I have also done kante as well as gallop and gallop the horse runs way too fast but in kante horse runs like this is kante again. This is off center. Whoa, wow. Yes. But that's for me. Try to find
के लिए मेरा भाई जो है वो वार्म अप कर रहे हैं और हॉर्सेस को वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि आज के एक्सरसाइज में होती है, आज के ठंड होती है तो हॉर्सेस ठंड में ज़्यादा अच्छे मतलब होते हैं क्योंकि विंटर में देना या हार्ट अटैक या लिवर स्टफ विंटर कह रहे हैं एक्चुअली समर में। तो अभी मैं बोल रही थी वार्म अप एक्सरसाइज या तो अभी आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग और अभी वो मतलब और थोड़ा तेज करेगा तब दिखाता हूँ। तो हॉर्स राइडिंग में बेसिकली होता ये है कि आप अगर आपके आपकी पूरी सैडल होती है जिसके अंदर आप टॉप पे एक सीट होती है उस पर आप बैठते हो, राइट लेफ्ट पे एक फुट रेस्ट की चीज़ होती है उसके ऊपर आप अपना फिट को रख सकते हो। एंड अगर किसी को नहीं आता हॉर्स बिठाना तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो सबको आता होगा। तो बेसिकली व्हाट यू गॉट टू डू इज़ यू गॉट इफ़ यू हैव अ व्हिप इन हैंड यू हैव टू हिट इट विद व्हिप or otherwise you gotta kick it with your foot so that the more harder you will kick the horse the more faster will it run. So yeah, that's a bit of fun I guess because there was a time I used to do horse riding and that was pretty good. I remember it, I was about four, I was about 8 years old and right now my brother is getting a bit fast so let's see. In time we'll find a place that we call home. They can try anything, we'll make it better together now. Don't be afraid of letting go, I know there's no way can be free. Open your eyes and see. सेकेंड हॉर्स पे बैठा है और वाइट वाले पे इजाज़ तुम्हारे हॉर्सेस को नाम के ओके। तो ये जो ब्राउन हॉर्स है मेरे भाई का उसका नाम शेडो है और जो वाइट है उसका नाम चिट्टा है और जो छोटे हमारे चिट्टा तो चिट्टा पंजाबी में कि उर्दू में वाइट कलर को कहते हैं। तो दैट हॉर्स इज़ वाइट तो उसका नाम मेरे भाई ने चिट्टा रखा है तो दैट्स अ प्रीटी मैचिंग नेम। और अभी मैंने भी हॉर्स पे बैठना है तो सी अबाउट दैट। ओ माय गॉड माय ब्रदर इज़ इन फुल मूड टू राइड अ हॉर्स बिकॉज द गेम इज हियर आर सो वाइड ओपन राइट नाउ। सो एक्चुअली माय ब्रदर हैज़ अ क्रेज ऑफ राइजिंग लाइक आई हैव अ फुटबॉल सो वो चलो रेंज पकड़ लो अब। ये देखिए अभी मैं घोड़े पे बैठा हूँ, सिटिंग ऑन द हॉर्स और अभी अभी ट्रॉट किए, काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि काफ़ी रस्ते के बाद किए और अभी मैं यही सोच रहा था पहले कैंटर कैसे कर लेता था। ट्रॉट में अगर ये हालत हो गई है तो कैंटर में क्या हालत होती होगी मेरी। तो ओल्ड मेमोरीज आ रही है तो I see.
इधर देखो लॉन्ग लॉन्ग टाइम लेकिन पहले तो मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन लकी भी शुक्र है मेरा भाई मेरे साथ था तो मैं गिरा नहीं। अगर मैं अकेला होता तो मेरा क्या हाल होता ये आप लोग इमेजिन कर लो। मैं तो कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो देखते हैं। हम लोग उस जगह पर चले गए जा रहे हैं जहाँ पे उनको फूड मिलता है हॉर्सेज को दाना और इसी के लिए उसको कहते हैं। तो अभी इनके सैडल को और कपड़ों को उतारने लगे तो आए देखते हैं। अभी ये सैडल वगैरह उतारेंगे ताकि जो हॉर्सेज हैं वो फ्री हो जाएँ और फिर खाना भी खुल के खा सकें। बेसिकली हम उनको बेसिकली नाच टाइम फॉर फ्यू क्लिप्स जिसके अंदर हॉर्सेस को शावर भी दे रहे हैं और उनको आफ्टर दैट उनको खाना भी खिला रहे हैं। तो आप लोग वो देखें और फिर आगे से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं कि हॉर्स जो है वो कितना मासूम बना हुआ है और खाना खा रहे हैं बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ अ लॉट टायर्ड राइट नाउ। चलो जी अब वीडियो को कहते हैं कंटिन्यू। सैडल पहनाया होता है तो एक स्ट्रैप टाइप चीज़ में बांध होती है जिसकी वजह से हॉर्सेस को स्ट्रेस होता है कि आई एम अ बिट टाइट। जिससे हम लोग भी कोई टाइट बेल्ट होती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है जिससे हम लोग ऐसे लगते हम फंस रहे हैं उसी तरह हॉर्सेस की भी फीलिंग होती है। तो अभी ओ माय गॉड मैं गड्ढे पे से गया हूँ तो अभी हम वापस कार की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वापस जाके बोलता हूँ। सो यार अगेन नाउ टाइम टू एंड द ब्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लेट मी नो कमेंट इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड या होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो इसीलिए भी आप लोग यही नोट करेंगे मेरी आंखों के नीचे उस वक्त विंकल्स की पड़े हुए हैं। तो इस वक्त रात के 12 o'clock हो रहे हैं और नाश्ता है तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं। तो गुड बाय। The truth will break your chains, we have the key.